अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ 4 साल की बेबी की फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये फ्रॉक बनाने के लिए मैं 1.5 मीटर रिवान फैब्रिक ली थी। यहाँ पे देखिए कपड़े को पीसेज में कट करके रख ली थी। ये मैं फ्रंट पीस ली हूँ जिसकी लंबाई 10 इंच है और इसकी चौड़ाई 18 इंच है। यहाँ पे देखिए बैक वाली पीस है, इसकी लंबाई सेम वही 10 इंच है और इसकी चौड़ाई 14 इंच है। अब इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी, जो पहले फ्रंट वाली थी उसको हम नीचे रखेंगे, ये बैक वाली उसके ऊपर हम रखेंगे। यहाँ से देखिए 2 इंच फ्रंट वाली एक्स्ट्रा है बैक वाली से। अब ये जो ओपन साइड है उस साइड से हम इस पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखिए शोल्डर के लिए मैं 5 इंच पे निशान लगाई हूँ और आर्म मोल का 5 इंच पे, चेस्ट के लिए 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और वेस्ट का 6.5 इंच पे। यहाँ से हम निशान को मिला लेंगे। अब यहाँ से गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे और बैक गले की लंबाई 2 इंच रखेंगे, फ्रंट गले की 3 इंच। देखिए यहाँ दोनों गले पे मैं निशान लगा ली हूँ। यहाँ से 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे आरमोल के पास से। ये हम कंधे डाउन करेंगे और आरमोल की गुलाई हम बना लेंगे। देखिए सारे निशान मैं लगा ली हूँ, अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। हम पहले बैक गले की कटिंग करेंगे उसके बाद फ्रंट गले की। यहाँ पे देखिए कटिंग हो चुकी है, मैं बैक वाली पीस जो है कि निकाल लूँगी, हटा दूँगी और फ्रंट वाले पे निशान लगा करके हम गले की कटिंग कर लेंगे। और फिर से कट करके मैं पीसेज को अलग अलग कर लूँगी। यहाँ पे 2.5 इंच करीब फोल्ड करके हम बटन पट्टी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए कटिंग कंप्लीट हो चुकी थी बेटी की। अब मैं ये नीचे घेर वाला हिस्सा है, ये पहली लेयर है जिसकी लंबाई 8 इंच है और इसकी चौड़ाई 32 इंच है। और ये दूसरी जो फ्रिल बनाएंगे हम, और ये जो नीचे दूसरी वाली फ्रिल है इसकी लंबाई जो 8 इंच है और इसकी चौड़ाई 42 इंच है। देखिए यहाँ पे मैं नीचे इनर की कटिंग कर रही हूँ जिसकी लंबाई 14 इंच है और इसकी चौड़ाई 20 इंच है। फोल्ड करने पे डबल आ रही है, इसको मैं 4 फोल्ड करके रख ली हूँ। अब यहाँ से हम 6.5 इंच पे ऊपर से निशान लगाएंगे, जितना हम पेटी का निशान लगाए थे उतना ही लगाएंगे और नीचे निशान नीचे तक मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कटिंग कर ली हूँ। अब कटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, अब मैं स्टिचिंग करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं फ्रंट वाली पेटी का हिस्सा ली थी, इसे ऊपर से फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैं दोनों पे सिलाई लगा ली हूँ और अब हमारी बटन पट्टी तैयार हो चुकी है। अब ये बैक वाली पीस लूँगी मैं और यहाँ पर हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं शोल्डर ज्वाइन कर ली हूँ और ये देखिए मैं पाइपिंग ली हूँ, इसको हम उरेप कट करके लिए हैं और इसे अब हम लगा लेंगे गले पे। हम इसे पीछे के साइड लगाएंगे उल्टी वाली साइड से और इसे सीधी वाली साइड पे पलट करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं पाइपिंग लगा ली हूँ, मैं इस पर बारीक बारीक से कट का निशान लगा करके लगा लूँगी। और देखिए इसे मैं सीधी साइड पलट करके इसके ऊपर फिनिशिंग से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे गले पे मैं पाइपिंग लगा ली हूँ, गला तैयार हो चुका है। जैसे हम गले पे पाइपिंग लगाए उसी तरीके से सेम हम आरमोल पे भी हम पाइपिंग लगा लेंगे।
यहाँ पे देखिए मैं दोनों आर्मोर पे भी पाइपिंग लगा के तैयार कर ली हूँ। अब यहाँ से हम बटन पट्टी वाला हिस्सा लेंगे, इसे हम ऊपर से बराबर करते हुए नीचे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब हम घेरा तैयार कर लेते हैं। देखिए घेरे वाला हिस्सा नहीं, उसे मैं मशीन से ही बारीक बारीक सा प्लेट्स बना लूँगी। यहाँ पे देखिए मैं सारी फ्रीट पे प्लेट्स बना करके तैयार कर ली हूँ। अब ये जो हम कट करके रखे थे नीचे इनर वाला हिस्सा, इस पर मैं बीच में देखिए निशान लगा रही हूँ। ऊपर से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ये मैं पहली वाली फ्रिल लगा रही हूँ, इसे हम ऊपर लगाएंगे। जो हम 32 इंच की कट किए थे उसे हम पहले लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं पहली वाली फ्रिल लगा ली हूँ और जो हम निशान 6 इंच पे लगाए थे उसके ऊपर रख करके हम दूसरी वाली फ्रिल भी लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं दोनों फ्रिल लगा ली हूँ और इसी तरह मैं बैक वाली पीस भी तैयार कर लूँगी। यहाँ पे देखिए दोनों पीस मैं तैयार कर ली हूँ। अब इसे हम पेटी पे जॉइंट कर लेंगे। जो हम सिलाई लगाए उसी सिलाई पे ही हम जॉइंट करते, पेटी पे जॉइंट करते वक्त भी उसी सिलाई पे ही हम सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं दोनों साइड ज्वाइंट कर ली हूँ। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये जो फ्रिल है हम बनाए थे, हम पहले फ्रिल पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं फ्रिल पे सिलाई लगा ली हूँ। अब यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। जो फ्रिल पे हम सिलाई लगाए थे उसे हम अंदर की साइड करके सिर्फ इनर वाले कपड़े पे ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरी वाली फ्रिल है, उस पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। इसे भी हम अंदर की साइड करके फिर दोबारा जो है कि ये नीचे इनर वाले इसे पे जो नीचे का बचा था उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से सेम हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं दोनों साइड सिलाई लगा ली हूँ। अभी नीचे जो फ्रिल वाला हिस्सा है हम इसे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं दोनों फ्रिल वाले फ्रिल पे सिलाई लगा ली हूँ, नीचे इनर पे भी सिलाई लगा ली हूँ। अब प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं कांच बटन कर ली हूँ और ये देखिए हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना प्यारा और खूबसूरत हमारा फ्रॉक तैयार हुआ है। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।